नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैंडअप इंडिया योजना पर। स्टैंडअप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडअप इंडिया में दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, एक स्टैंडअप और दूसरा इंडिया, यानी कि इंडिया को और भी मजबूती से खड़ा करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है, इसको विकसित रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं कहूँगी। और हम इस और अग्रसर हो रहे हैं। हमारी सरकार अब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रही है जिसके जरिए हम स्टैंडअप इंडिया के इस मुहिम में जुड़कर अपने भारत को एक अलग मुकाम में, एक ऊंचे, बहुत ऊंचे मुकाम में देख सकते हैं। स्टैंडअप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर महिलाएं, ये खुद का बिजनेस करने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि खुद का बिजनेस शुरू कर पाए। ऐसे में स्टैंडअप इंडिया योजना जो है वो एक स्टार्टअप देने के लिए योजना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं को एक बिजनेस में स्टार्टअप देती है ताकि वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सके। हम आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना शुरू की थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया, और आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि स्टैंडअप इंडिया योजना के जरिए आप भी इसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अगर लोन की बात करें तो इस योजना के तहत आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हैं। अब उनमें से एक जो बड़ी बात है वो ये है कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला ही उठा सकती है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए है खास तौर पर। तो अगर दो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दो लोगों में से एक लोग इस वर्ग का होना चाहिए और उनकी बिजनेस में 51% यानी कि 51% यानी कि 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए और ये लोन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। अप्लाई करने वाला या करने वाली कारोबारी एससी एसटी या महिला होनी चाहिए। एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से अधिक होना जरूरी है। कारोबार ग्रीन फील्ड एरिया में होना चाहिए। जिस कारोबार के लिए लोन चाहिए उस सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो इस लोन योजना के लिए आपको चाहिए होंगे उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो पहचान पत्र, जिसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, हालांकि महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बिजनेस का पता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, बैंक खाता विवरण, नवीनतम आयकर रिटर्न यानी आईटीआर कॉपी, रेंट एग्रीमेंट यदि किराए पर व्यवसायिक परिसर है तब, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लियरेंस प्रमाण पत्र यदि जरूरत हो तो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे परियोजना रिपोर्ट भी कहते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको लोन लेते समय पड़े तो आप इन्हें पहले से ही रेडी कर लें। इस योजना की खास बात यह है कि बिजनेस शुरू करने से पहले 3 साल इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि स्टैंडअप लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच से संपर्क करें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टैंडअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आप जाएं, वहां बाएं तरफ यहां आवेदन करें पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अब अन्य सवाल जो हर किसी के जहन में आना स्वाभाविक है, जैसे कि इसकी ब्याज दरें क्या होंगी, भुगतान कब तक करना है, इन तमाम सवालों के जवाब भी सुन लीजिए। स्टैंडअप इंडिया लोन इंटरेस्ट रेट कितना होता है? सरकार ने ब्याज दर तय नहीं की है, पर हाँ बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि उधारकर्ता की श्रेणी के अनुसार कम से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाए। साथ ही लोन के ब्याज दर बेस रेट MCLR प्लस टेन्योर प्रीमियम प्लस 3% से अधिक नहीं हो सकती। स्टैंडअप इंडिया लोन की भुगतान अवधि क्या है? अधिकतम लोन अवधि 7 साल है। बैंक आपको 18 महीने तक मूल
पुनर्भुगतान यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ऋण स्थगन मतलब मॉरेटोरियम दे सकता है। क्या स्टैंडअप इंडिया लोन में सिक्योरिटी देनी होती है? आपको बता दें कि आप लोन से जो भी संपत्ति या सामान जैसे कि मशीन इत्यादि खरीदेंगे उस पर बैंक का चार्ज होगा। टर्म लोन के मामले में फिक्स्ड एसेट्स पर बैंक का चार्ज होगा। वर्किंग कैपिटल लोन के मामले में करंट एसेट्स से जैसे कच्चा माल तैयार माल आदि पर बैंक का चार्ज होगा। इसके अलावा बैंक आपसे अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग भी कर सकता है। तो देखा आपने सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आपके बिजनेस को एक दिशा दे सकती हैं। बस जरूरत है एक अवेयरनेस होने की और जरूरत है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा था जो हाँ इन्फॉर्मेटिव था जिसने आपकी जानकारी बढ़ाई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर। क्योंकि हमारा भी यही मानना है कि जितना वीडियोस के जरिए हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें तो हम भी एक छोटा सा कदम देश की तरक्की की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिए। फिलहाल नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।